मंडल में आए थे, क्या रहा यात्रियों की सुविधाओं के लिए, किन किन विषयों पे चर्चा हुई? चर्चा तो बहुत चीज पे हुई, एकाध चीज पर नहीं हुई, बहुत सारे समस्या को हम लेके आए हुए थे जी। और जिस जिस संसदीय क्षेत्र के जो जो एमपी लोग हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आए हुए थे और हर बात को यहाँ रखा गया है और जीएम के द्वारा ये बात कहा गया है कि इस पर अधिकतर पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बारे में आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन अभी किसी की चीज़ का निपटारा अभी नहीं हुआ है, बाद में निपटारा होकर के बताएंगे हम लोगों को कि किन किन कामों को हम लोग करा दिए हैं। और हम लोग खास करके हम लोगों का जितने भी माननीय सांसद लोग हैं या प्रतिनिधि लोग हैं उनका उद्देश्य होता है कि हमारे संसदीय क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा मुहैया हो और अधिक से अधिक आराम मिल सके, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है सर, आज आप डीडीयू मंडल में आए हैं यात्री की सुविधाओं के लिए, क्या किन किन विषयों पर यहाँ आज बात हुई है? देखिए, हर सांसद को अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत रेल से बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं, कुछ समस्या भी रहती है, कुछ नई मांग रहती है, कुछ सुझाव रहते हैं। सारे सांसदों ने बड़े विस्तार में अपनी अपनी बात को रखा और लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के रेल से संबंधित डेवलपमेंट, पैसेंजर अम्यूनिटी और बाकी चीज़ों के लिए रखा है। रेल प्रशासन ने यहाँ ECR के GM भी उपस्थित थे और DRM मुगलसराय भी थे और बाकी सारे इनके तकनीकी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड किया, चीज़ों को गंभीरता से उसका कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान में लिया और ये आश्वस्त किया हम लोगों को कि आप लोगों ने जो जो भी मांग रखे हैं या सुझाव रखा है जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में या यात्रियों की सुविधा के लिए, पैसेंजर अम्यूनिटी के लिए, सब पे ये लोग बहुत त्वरित कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है कि आज की बैठक बहुत ही सार्थक रही है, आगे इसका अच्छा प्रतिफल आएगा। यात्रियों के लिए पैसेंजर ट्रेनों की बहुत मारामारी है, चूँकि बिहार से सटा यह जिला है चंदौली, तो पैसेंजर ट्रेन के बारे में भी चर्चा हुई? मैंने कहा ना, आप सारी चीज़ों के विषय में चर्चा हुई, पैसेंजर ट्रेन से लेकर पैसेंजर अम्यूनिटी यानी यात्री सुविधा से लेकर रेल की आमदनी कैसे बढ़े, माल ढुलाई से लेकर हर चीज़, DFC से लेकर हर चीज़ पर बड़े विस्तार में चर्चा हुई। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, साथ साथ रेल का भी विकास हो रहा है, अभी रेल में सफाई, सुरक्षा और समय का पालन, ये सारी चीज़ों पर बहुत ही ध्यान है सरकार का, हमारे माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, हमारे अधिकारियों का। हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ों को अपनी तरफ से सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है, जिसको ये लोग अमल में लाएंगे और सुविधा विकास और तेज़ी से होगा।